मित्रों, जय माता दी, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगे। मित्रों, वर्ष 2023 में फाल्गुन अमावस्या कब है और क्यों मनाई जाती है, जानिए सही दिन व तारीख क्या है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब है, पूजा विधि क्या है और अमावस्या तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी और इस दिन 5 काम जरूर करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मित्रों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को फाल्गुन अमावस्या कहते हैं। यह अमावस्या सुख संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी होती है। ऐसी मान्यता है कि फाल्गुन अमावस्या का व्रत रखने से जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन पितरों की आत्मा के शांति के लिए तर्पण व श्राद्ध भी किया जाता है। यदि अमावस्या तिथि सोमवार, मंगलवार, गुरुवार या फिर शनिवार के दिन हो तो यह सूर्य ग्रहण से भी अधिक फल देने वाली होती है। फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि के दिन भगवान भोलेनाथ, हनुमान जी, भगवान विष्णु, भगवान शनिदेव, अग्निदेव और ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें उदड़, दही और पूरी का भोग लगाना चाहिए और इसे प्रसाद के रूप में वितरित करके स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन अमावस्या के दिन नदी, जलाशय, कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ देने के बाद पितरों का तर्पण करें। पितरों की आत्मा के शांति के लिए उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाएं और अपने पितरों को याद करके और पीपल की 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ, हनुमान जी, विष्णु जी और भगवान शनि देव, अग्नि देव और ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें उदड़, दही और पूरी आदि का नैवेद्य अर्पित करें और उन्हें स्वयं भी उन्हीं पदार्थों का 1 बार सेवन करें। फाल्गुन अमावस्या के दिन शिव मंदिर में जाकर गाय की कच्ची दूध, दही, शहद से शिव जी का अभिषेक करें और उन्हें काले तिल अर्पित करें। अमावस्या शनि देव का दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन उनकी पूजा जरूर करना चाहिए और फाल्गुन अमावस्या के दिन किसी भी शनि मंदिर में जाकर नीले पुष्प अर्पित करें और काले तिल, काले साबुत, उदड़, कड़वा तेल, काजल और काला कपड़ा आदि अर्पित करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन अमावस्या पर पवित्र नदियों में सभी देवताओं का निवास होता है, अतः इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती में स्नान आदि का विशेष महत्व है। यदि फाल्गुन अमावस्या सोमवार के दिन हो तो इस दिन महाकुंभ स्नान का भी योग बनता है जो अनंत फलदायी होता है। मित्रों, अब फाल्गुन अमावस्या व्रत की पूजन विधि को भी जान लेते हैं जो इस प्रकार है। फाल्गुन अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान आदि करके सूर्य देव को अर्घ दें और घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर उपवास रख सकते हैं तो इस दिन उपवास भी जरूर रखें और इस दिन पितरों के निर्मित तर्पण और दान करें और इस पावन दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। मित्रों, अब आपको बता दें कि वर्ष 2023 में फाल्गुन अमावस्या 20 फरवरी दिन सोमवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि आरंभ होगी 19 फरवरी 2023 को शाम 4:21 पर। अमावस्या तिथि समाप्त होगी
20 फरवरी 2023 को दोपहर 12:38 पर।